जॉस बटलर बन गए बॉस बटलर, और जब वो बॉस बटलर की तरह खेलते हैं तो फिर कमाल होता है। एलेक्स हेल्स आते हैं बाद में, ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी सी बत्ती जलाई जरूर, पर न्यूजीलैंड की जो समस्याएं थी वो थोड़ी सी एक बार फिर सामने की तरफ नजर आई। मिडल ऑर्डर में कुछ खास कुछ है नहीं, लस्सी की मलाई बिल्कुल ऊपर है। और इंग्लैंड खैर थोड़ा सा फायदा हुआ कैचेस छोड़ने का, मतलब सामने वाली टीम ने छोड़े थे, इन्होंने भी छोड़े थे। एक्चुअली कैचेस इतने छूट क्यों रहे हैं यार, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग दिस वर्ल्ड कप? कुछ आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े जाते हैं, कुछ इजी कैचेस छूट जाते हैं। आज थे दो मुकाबले, उसकी करेंगे बात, और थोड़ा सा वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वो मुकाबला कल है, उसकी भी थोड़ी सी विल टच अप ऑन दैट टू। लेकिन सबसे पहले ओए रोल बम्पर, क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन हैशटैग आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मुकाबले दो हुए थे, दो मुकाबलों की बात करनी है। एक्सचेंज 22 ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। और आप इस पे सीरीज वाइज भी कर सकते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, और आप प्ले मैच वाइज भी कर सकते हैं। तो समझ जाइए, वो आए हो जरा ट्राइलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आइए जरा, मैं आप आपके साथ रोज अपने जो मेरी पिक्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो फिर प्लीज डू कम देयर। पर अब जरा दो मुकाबले थे, दूसरे की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि उस मुकाबले से बड़ी उम्मीदें लगी थी। सी न्यूजीलैंड के लिए क्या था कि न्यूजीलैंड अगर मैच जीत जाता आज नाम के आगे क्यों लग जाता, कहते हो गया क्वालिफाई, अभी नहीं है, आखिरी मैच इनका है आयरलैंड के साथ, वो मुकाबला कहाँ पे वो होगा एडिलेड में। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो खेलने वाला है आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के साथ, एंड देन द लास्ट गेम इज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। तो अब इंग्लैंड श्रीलंका वाला जो मैच सिडनी में है, इंग्लैंड को बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने मार्जिन से जीतना है, तो फिर वो जो एक बात है वो उनके पक्ष में जाने वाली है। अभी भी ऑलरेडी जो नेट रन रेट है वो ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड से कम है, तो अगर न्यूजीलैंड अपना मैच जीत जाती है, इंग्लैंड अपना मैच जीत जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दे'ल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दिस इज द सैड रियलिटी। और न्यूजीलैंड के लिए क्या समस्या आ सकती है, देखिए अभी तो दे आर सिटिंग प्रीटी एट द टॉप, नेट रन रेट पहले मैच में 4.5 का था, फिर 3.5 का, अब 2.25 का, अब इससे नीचे जा सकता है, पर दे विल नेवर गो बिलो ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं होने वाला है। उनके साथ सिर्फ एक ही गड़बड़ हो सकती है, वो ये कि न्यूजीलैंड आयरलैंड का मैच हो, उसमें बारिश आ जाए और बाकी दोनों मैच पूरे हो जाए, मतलब ऑस्ट्रेलिया का भी हो जाए इंग्लैंड का भी हो जाए, और ये कह रहे यार हेलो व्हाट इज दिस, हमारा अफगानिस्तान वाला भी वॉश आउट, हमारा आयरलैंड वाला भी वॉश आउट, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब अगर हो जाता है तो फिर यू नेवर नो। एडिलेड में बाय द वे बारिश हो रही है, एडिलेड में तो हमारा कल का मैच है, वो आज का नहीं है। अब जरा इस मैच पे कर लेते हैं कि भाई इंग्लैंड ने कहा हम तो वही टीम खिला रहे जो पिछले मैच में खिलाई थी, न्यूजीलैंड ने भी कहा चलो हम भी वही टीम खिला लेते हैं जो पिछले मैच में खिलाई थी, चलो सब अपनी अपनी सेम सेम टीम के साथ उतरते हैं, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला इंग्लैंड करता है, विच इज द राइट थिंग टू डू। और यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बैटिंग की थी, मैंने कहा अगर इन्होंने बनाया 180-90 रन, वी वर ऑन क्रिकेट लाइव स्टार स्पोर्ट्स पे, मैंने कहा जीत जाएगी इंग्लैंड, रन चेज नहीं होंगे इतने, और वही हुआ। शुरुआत में एक जीवन दान मिला, वो डिफिकल्ट कैच था एक्चुअली केन का जो जीवन दान मिला, उसके बाद एक इजी कैच था जो डैल मिचेल ने छोड़ा, वहीं पे हमारे बन गए एक्सचेंज 22 प्लेयर ऑफ द मैच जॉस बटलर। तो हमारे जो एक्सचेंज 22 प्लेयर ऑफ द मैच बने वो थे जॉस बटलर। जॉस बटलर आते हैं 47 गेंदों में 73 बनाते हैं, ये इनका 100वां T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था, 100th T20 आए, और इसमें इन्होंने 73 रन बनाए। अब ये खिलाड़ी इतना कमाल का है, मैं तो कह रहा हूँ कि विश्व में इस समय इनसे बेहतर T20 बल्लेबाज कोई है ही नहीं, ही इज द बेस्ट। और कुछ शॉट जो ऐसे वाला शॉट, ऐसे थप्पड़ मार के सामने वाला शॉट, और रिवर्स स्वीप का शॉट, आई मीन इनके पास वहां शॉट मारने की काबिलियत है जहां कोई नहीं पहुंच पाता। ये 150 के स्ट्राइक रेट पे भागते हैं, उसके बावजूद बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं। जॉस बटलर के पास वो रन बनाने की एक विलक्षण क्षमता है, और फाइनली He's got runs under his belt. अभी तक ये वाला जो टूर्नामेंट है ये ओपनर्स के लिए, कप्तानों के लिए बड़ा अच्छा नहीं रहा था, पर चीजें अब जो है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो रही हैं। तो इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच ऑफकोर्स एक्सचेंज 22 प्लेयर ऑफ द मैच इज जॉस बटलर। दूसरे एंड पे एलेक्स हेल्स थे। अगर एलेक्स हेल्स अच्छा नहीं खेलते तो जॉस बटलर भी इतने रन नहीं बनाते थे, क्योंकि उनका जो अर्धशतक की पारी थी दैट वॉज ऑल्सो वेल डन, न्यूजीलैंड की थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया गया। पर उसके बाद इस टीम की जो समस्या है वो थोड़ी सी फोर पे आती है। इनकी क्या समस्या है, इतनी बैटिंग है समझ में नहीं आती किसको पहले भेजें किसको बाद में भेजें, कौन लेफ्ट जाएगा कौन राइट जाएगा। इस मैच के अंदर मोइन अली को ऊपर भेजा, उसका लियम लिविंगस्टन को भेजा, फिर हैरी ब्रूक को भेजा, फिर सोचा चलो बेन स्टोक्स को भेज देते हैं, फिर सैम करन को भेजा, जब सब खत्म हो गए तो डेविड मिलान को भेजा। आई मीन डेविड मिलान बैट्स एट 3, टुडे ही बैटेड एट 8। अगर आपने मैच नहीं देखा आप सोच रहे यार ये बंदा हुआ क्या, इंजर्ड हो गया बिना बैटिंग किए, ये कब क्या हुआ क्या है? ये ऐसा हुआ है कि ओपनिंग साझेदारी लंबी हुई तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को उथल पुथल कर दिया। बेन स्टोक्स का T20 जो वैल्यू है वो मुझे लगता है काफी नीचे है, और इस टीम के अंदर जो मारक क्षमता है उसका अभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि मुझे हर बॉल पे छक्का मारना है, मैं आउट हो जाऊंगा कोई बात नहीं बाद में कोई आएगा।
नाउ दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग अगर आपके सारे वो टॉप चार पांच खिलाड़ी फॉर्म में ना हो तो अगर फॉर्म में है तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई भी फॉर्म के साथ थोड़ा थोड़ा जूझ रहा है, देयर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द गेम, थोड़ी सी स्पाइसी पिच है, तो ये वाली चीज जो है आपके विपक्ष में जाती है और ये चीज हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी 200 बन सकते थे, इन्होंने बनाया 179, विच इज नॉट दैट बैड स्कोर, और 179 का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड पहुंच नहीं पाया। लेकिन उससे पहले कल जो मैच है उसके लिए मैं एक्सचेंज 22 पे अपनी पिक्स बता रहा हूँ। Let me just do that before I get into the runches. Exchange 22 पे कल हमारा मैच जो मैं कवर करने वाला हूँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, मुकाबला होगा ये एडिलेड के मैदान पर। एडिलेड के मैदान पर मुझे लगता है भारतीय टॉप 3 रन बनाने वाले हैं। राहुल, रोहित, कोहली, ये तीनों रन बनाएंगे। इनके तीनों को मैंने शेयर खरीद लिया। मैंने कहा भैया चाहे पहले बैटिंग आए चाहे बाद में बैटिंग आए, राहुल का खराब फॉर्म, रोहित का पैची फॉर्म, कोहली का सुपर फॉर्म, सारे के सारे यहाँ पे रन बनाएंगे। ये मेरा इवन आउट हो जाएगा अगर एक आधा इनमें से कोई जल्दी आउट हो जाता है तो भी, क्योंकि बाकी जो है वो हो सकता है मुझे डबल द पॉइंट्स देकर जाए। तस्कीन को मैंने रखा है, तस्कीन को मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि अच्छे बॉलर है, इस समय बांग्लादेश के बेस्ट बॉलर है इन टर्म्स ऑफ द विकेट टेकिंग एबिलिटी। तो इनके भी मैंने 5 शेयर खरीद लिए हैं, आप भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ जाना है, एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब ये तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, खेलिएगा साथ में। पर जो न्यूजीलैंड की रन चेज थी शुरू में, डेवन कॉनवे कमाल का कैच पीछे पकड़ा जाता है, फिन एलन वो आउट हो जाते हैं, केन विलियमसन 40 बॉल 40 रन, नॉट गुड इनफ ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये लगता है हमें कि काम हो जाएगा पर वो होता नहीं है यार। ये 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए आपको, 9 रन प्रति ओवर चाहिए। वहां पे अगर आप रन अ बॉल बना रहे हैं तो आप टीम का फायदा नहीं कर रहे हैं। पिछले नहीं मतलब 2022 में सिर्फ एक अर्शा तक बनाया अभी तक केन विलियमसन ने, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। वो तो ग्लेन फिलिप्स है जिन्होंने मैच को आपको मतलब जीवित रखा, लेकिन उनका कैच भी इतना इजी कैच मोइन ने छोड़ा यार। हम ये देख रहे हैं कि इस मैच में कैचेस बहुत अच्छे अच्छे पकड़े गए पर बहुत इजी छोड़े भी गए हैं। जब ग्लेन फिलिप्स आउट हो जाते हैं तो पता चल जाता है यार, देखिए डैरल मिचेल, जिमी नीशा, मिचेल सैंटनर कि थोड़ा सा सॉफ्ट अंडर बेली दैट गॉट एक्सपोज। इंग्लैंड की अगर हम गेंदबाजी की बात करें, मार्क वुड को पूरे ओवर नहीं कराएंगे, जो बैटिंग की प्रॉब्लम वही बॉलिंग की प्रॉब्लम है। एक ओवर डाला था मोइन ने, 4 रन दिए थे पर उसके बाद उनको ओवर नहीं दिया गया दोबारा। यहाँ पे आदिल रशीद ने अच्छी गेंदबाजी की, स्पिन से एक्चुअली स्पिनर्स ने सबने अच्छी गेंदबाजी की है, पर दे हैव लाइक 6-7 बोलिंग ऑप्शन, मार्क वुड ओवर ही नहीं पूरे करते। सैम करन करते हैं, वोक्स करते हैं, विकेट चटकाते हैं, 2 विकेट वोक्स को मिलती है, 2 विकेट सैम करन को मिलती है, 1 विकेट बेन स्टोक्स और एक नहीं है एक्चुअली हाँ एक वो ना मार्क वुड को जो 1 विकेट मिलती है। तो वो कुल मिला के इस प्रकार से इनका काम रहता है और 20 रन से एक इंपॉर्टेंट मुकाबला जीत जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अब ये तो बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, बात हो गई न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की भी हो गई, सबकी हमने बात कर ली कि समीकरण क्या है। अब जो सुबह मुकाबला था उसमें अफगानिस्तान का सफर हुआ समाप्त, दे वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, सही चीज है। एक भी खिलाड़ी ने 30 नहीं बनाया, सबके मतलब स्टार्ट मिले 20-20 रन बना रहे पर 30 कोई नहीं बना रहा। वरिंदु हसरंगा मुझे लगता है कि जो हमारे दसवें शनक का उनके फैंटेसी कैप्टन थे, उन्होंने एक्सचेंज 22 पे इनके शेयर खरीदे हुए थे तो 20वां ओवर उनसे करा दिया। आई मीन 20वां ओवर लेग स्पिनर कहाँ करता है, मैं कमेंट्री भी था जैसे ही बॉलिंग करने आया, मैंने कहा चलो जी ये 1 ले चुके हैं, 2 ओवर लेंगे, 3 विकेट के साथ अपना ये स्पेल खत्म करेंगे, कर दिया खत्म, 3 विकेट ली उन्होंने। बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे उनको एक्सचेंज 22 पे, तो जिसने भी इंश्योरेंस किया था उसकी चांदी की चांदी, सोना का सोना, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। गेंदबाजी अगर देखी जाए तो 3 विकेट वरिंदु हसरंगा, 2 विकेट लहिरू कुमारा, डिसिल्वा 1 विकेट ले जाते हैं, मधुशन पूरे ओवर नहीं डालते, दसवीं शनक की थोड़ी कप्तानी इज ऑल्सो इधर उधर चलती है। रन चेज की बारी आती है तो कुशल आउट, आउट हो जाते हैं प्रथम निशंका, एक बार के लिए लगता है कि टीम फंसेगी, पर आते हैं धनंजय डिसिल्वा। धनंजय डिसिल्वा की पारी बहुत अच्छी थी, मेरे विचार में वो प्लेयर ऑफ द मैच होने चाहिए थे। जो एडजूटी गेटर था उन्होंने बना दिया वरिंदु हसरंगा को, ऑलराइट उनकी मर्जी, मेरे विचार में वरिंदु हसरंगा नहीं धनंजय डिसिल्वा होने चाहिए थे। 1 विकेट ली, 66 रन बनाए, नाबाद रहे अंत तक का चरिता सलंका के थोड़े से रन धनुका राजपक्षा के, राशिद खान को विकेट मिलती जरूर है पर बाकी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता नहीं है। वंस अगेन मुजीबुर रहमान की अच्छी, बड़ी अच्छी बोलिंग की, वो जो 2 उन्होंने विकेट चटकाए, एक तो शुरू में आउट किया था पथुम को, एक बाद में आउट किया भनुका को, 2 विकेट अच्छे लिए अपना राशिद ने, 6 विकेट की जीत, दैट्स व्हाट दे वांटेड। श्रीलंका इज स्टिल अलाइव बट ओनली जस्ट, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं पर उनके क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, अनलेस ऑफकोर्स दे बीट इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को हरा दें तो फिर वो जो है वो आगे की तरफ पड़ जाएंगे। अगर इनका हम पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो फिर इंग्लैंड बाहर हो जाएगा, इंग्लैंड 5 पे रह जाएगा, श्रीलंका 6 पे पहुंच जाएगा, और अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी हार जाता है आखिरी मैच अफगानिस्तान से तो फिर ये भी क्वालिफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड दोनों में से कोई भी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए तो श्रीलंका इज स्टिल इन इट ओनली जस्ट, पर अफगानिस्तान का सफर हो गया समाप्त। अब कल भी कई टीमों का सफर समाप्त होगा, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स,
देन वी गॉट इंडिया बांग्लादेश, तो ये मुकाबले हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे बाद में। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू वॉचिंग एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी। बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो ऐप। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा आराम से। अभी के लिए इतना ही।